यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हुआ था, होश उड़ गए थे मेरे। मैंने देखा, मतलब डुप्लीकेट मेरी। नो ऑफ कोर्स सेम टू सेम मेरी जैसी होना, इट्स लाइक वेरी वेरी इम्पॉसिबल। बहुत ही देसी और बहुत ही थकेली सी थी वो, पर फिर भी बॉस सेम टू सेम शक्ल। अब यार अगर सुनहरी कंफ्यूज हो गई तो वो नर्स वर्स का कंफ्यूजन तो बन पाएगा, क्योंकि सेम टू सेम मेरे जैसी थी। सी आई नो दिस कि सेम शक्ल जैसे 5-6 लोग होते हैं, लेकिन ऐसे रियल लाइफ में मुझे मेरी डुप्लीकेट मिल जाएगी ये थोड़ी मैंने सोचा था। ऑब्वियसली यार इतनी पॉपुलेशन हो गई है, ओरिजिनल पेसिस के डुप्लीकेट तो बनाने ही पड़ेंगे। कम ऑन पापा, आपकी सुनहरी इतना तो समझती है, पर एक बात बताऊं, थोड़ी फिल्मी है। अपने उस देसी वर्जन को देख के मुझे ऐसे लगा जैसे मैं उसे जानती हूं। पापा मैं जानती हूं कि मैं बेवकूफ हूं, कभी कभी ऐसे सेंटी क्यों हो जाती हूं, पता नहीं कौन सा ऐसा दर्द है जिससे मेरी आंखें भर आती हैं। मतलब पापा कभी कभी मुझे एक ऐसे इंसान की याद आती है जिससे मैं कभी मिली भी नहीं, किसी ऐसे इंसान का दर्द महसूस होता है जिसे मैं जानती भी नहीं, और ऐसा लगता है उस इंसान को मेरी जरूरत है, वो कोई अपना है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। रेहान, आहिल खतरे के बाहर है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तो बहुत डर गई थी। लगता है तुमने आहिल भाई के लिए दिल से दुआ किया। हाँ वो मैंने बेगम साहिबा को इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। माँ है ना, बेटे की फिक्र तो हो ही जाती है, वो आहिल से बहुत मोहब्बत करती है। हमने उस बुड्ढे नवाब के बच्चों की परवाह कभी नहीं की, लेकिन उन्हें पालने के लिए प्यार का नाटक करना पड़ा। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं जानता हूं कि ये सुहागरात बनाने के लिए सही वक्त नहीं है। हया मैं तुम्हें सिर्फ यहां इसलिए लाया था ताकि हम दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर सकें। हया मैं
मैं जानता हूँ कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अब लुक, मैंने तुम्हारी सारी पसंद की चीजें मंगवाई हैं वहां पर। चलो आया, तुम क्या सोच रही हो? आया, क्या हुआ? नर्स प्लीज डॉक्टर को बुलवाइए, मुझे अभी इसी वक्त डिस्चार्ज होना है। कांस्ट आई हेट दिस हॉस्पिटल। आहिल बेटा, ये कैसे जिद है? देखो बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है और डॉक्टर ने भी तो यही कहा है ना बेटा। अम्मी प्लीज, आपको पता मुझे यहाँ पर बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। अम्मी आप प्लीज गाड़ी बुलवाइए। जस्ट कॉल फॉर द कार। रेहान का? रेहान? वेयर इज ही? कॉल रेहान। ऑफ कोर्स, और कहाँ होगा? आहिल आप ठीक है ना? बहुत दर्द हो रहा है क्या? अम्मी, चलिए यहां से अभी। चलिए। Just don't want to stay। मुझे आहिल बचा। अम्मी चलिए यहां से। अरे आहिल, आप पर क्या हुआ? आप कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? अम्मी प्लीज चलिए यहां से। आहिल, आहिल, लेकिन जा कहां रहे हैं आप? आहिल बेगम साहिब, आप आहिल आप कहां जा रहे हैं? आपको इस हालत में नहीं जाना चाहिए आहिल। डॉक्टर, मिस्टर इब्राहिम, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको तो रेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर प्लीज, मुझे यहाँ पर कोई रेस्ट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आई एम फीलिंग रेस्टलेस। मुझे घर जाके आराम करना है। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर प्लीज, आई नीड टू लीव। मुझे हॉस्पिटल में मेरा दम घुटता है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, एज यू लाइक। अगर आपको कुछ भी ऐसा वैसा लगे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर इब्राहिम, हमने वही किया जो हमारे हाथ में था, लेकिन हमारे इलाज से ज्यादा किसी की दुआओं ने असर किया है आपके ऊपर। हाँ, बड़ी अम्मी कैसी है? आहिल, बड़ी अम्मी अब ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। देखिए, उनका ख्याल रखिएगा। अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप प्लीज मुझे डायरेक्टली फोन करें। ओके, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। अब आहिल बेटा, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम यहीं रुक जाएं, सनम की बड़ी अम्मी के पास। सनम और तुम घर चले जाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं अम्मी, आप मेरे साथ चलिए, यहाँ पर सनम रुक जाएगी। अरे आहिल बेटा, हमारा क्या है, हम रुक जाते हैं ना। तुम जाओ, इसी बहाने सनम भी आराम कर लेगी। सनम ले जाओ आहिल को। जाओ बेटा, हम ठीक है,
हम रुकते हैं यहाँ पर सनम की बड़ी अम्मी के पास। अम्मी प्लीज अब चलिए मेरे साथ, अम्मी अब चलिए मेरे साथ, जस्ट कम। I love you, Haya. शेख निजाम ने हमें 15 साल की मोनोपली दे दी है, तो पीरियोडिकल बॉन्ड्स के हिसाब से हम लोग ने ऑलरेडी आपके फंड्स इन्वेस्ट कर चुके हैं। देखो बेटा, भगवान भी है ना अच्छे लोगों के सबर का इम्तिहान लेता है। अब देखो तुमने कितनी कम उम्र में इतनी परेशानियां झेली हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, और आज के बाद तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी हम सब उठाएंगे। हाँ बेटा, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, अब तो बस जो कुछ भी भगवान ने दिया है सब जरूरतमंद को देने का वक्त आ गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो ये हैं मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा, भोपाल के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक। इतनी दौलत और प्रॉपर्टी है और कोई औलाद नहीं है, इसी गम में सारी दौलत चैरिटी में लुटाना चाहते हैं। डोंट वरी पापा, अब देखो ना सुनहरी कैसे इन्हें बनाती है अपने मम्मी और पापा। देखिए प्लीज प्लीज मेरा फोन मत काटिए, मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मैं तो किससे बात करूं, किसको फोन करूं, मैं कौन है मेरी सुनने वाला, आप बताइए। यहाँ कॉफी शॉप में बैठी हूँ और इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं कॉफी पी सकूं।
आपके अलावा मैं शहर में किसी को नहीं जानती। कहां जाऊं मैं अकेली, किस किस से भीख मांगू, कहां कहां धक्के खाऊं। बकरे फंस रहे हैं सुनहरी, शाबाश। ये आज अगर मेरे माँ बाप होते ना, मुझे ये देखना देखना पड़ता, वो मुझे अपने घर ले जाते, मेरा ख्याल रखते। Thank you for trusting us, Mr. Sixsen. Thank you. अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया ना, तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। सनम, तुम यहां? आह, आराम से। मैंने कहा था ना, I'll manage. अम्मी, अम्मी भी ना। लतीफ, आहिल क्या बच्चे हैं आप? अम्मी और लतीफ को बुला रहे हैं शर्ट पहनाने के लिए। कह रही हूं ना कि पहना देती हूं। Excuse me. तो देख लिया, पहन लिया ना मैंने। कहा था ना तुम्हारी जरूरत नहीं है। खड़ी क्यों तुम? हंस क्या रही? I said I don't need your help. नहीं खड़ी थी। देखो आहिल, चुपचाप खड़े रहिए, मुझे बटन लगाने दीजिए, समझे? सोचा था तू